तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की वीडियो होने वाली है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो फिलहाल 2020 में लॉन्च हुआ था। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो भी बन चुका है, शायद आप बहुत सारे जानते भी हो, लेकिन फिर से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उस मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है अपूर्व चक्रवर्ती और मैं आपके लिए ऐसे ही एक्सप्लेन्ड और एक्सपोजरिंग वीडियो डिस्कशन करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर जाना। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है गाइस, इसमें मेनली फोर स्टेजेस को भाग किया गया है, जो आप स्क्रीन में साइड देख भी सकते हो। फोर स्टेज है, लेकिन पहले क्या था ना, तीन स्टेज था। जो प्राइमरी स्कूल होता है, मतलब 1-5 तक जो होता है ना वो एक, और 5 से जो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल होता है ना, 5 से 10 तक, किसी किसी स्कूल में तो 12 तक भी है। अभी शायद हर स्कूल में 12 तक है, 5 से लेकर 12 तक, वो एक है। और उसके बाद जो 11-12, ये जो तीन, मतलब 11-12 ये दो, और ये मध्य का जो 5 से लेकर 10 तक, ये मतलब तीन स्टेज को भाग किया गया है। लेकिन अभी क्या है ना गाइस, कि जो फोर स्टेज में है उसके पहले में, फर्स्ट में जो स्टेज है उसका नाम है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आपको क्लास 1-2 तक रखा गया है, जिसका बच्चे का एज होता है 3 से लेकर 8 तक। हाँ, 3 से लेकर 8 तक, मतलब 3 से तो वहां से कुछ सीखना का चालू करता है, और 6 में वो जाकर क्लास 1 में भर्ती होता है। मतलब ये 2 इसमें रखा गया है। इसमें आपको बच्चे के जो छोटी छोटी क्रिएटिव जो गेम है ना, उसको आपको सिखाया जाएगा। जैसे मान के चलिए डावा हो गया, लूडो हो गया, स्नेक का जो गेम होता है ना, ये सब आपको प्रैक्टिकल में कैसे होता है ये सिखाएगा। मतलब आपको एप्पल ग्रीन, इससे ज्यादा आपको क्रिएटिव होना सिखाएगा। और उस इसके बाद जो अगली स्टेज है, मतलब नंबर टू जो स्टेज है उसका नाम है प्रिपेरेटरी स्टेज। इस स्टेज में क्या है ना गाइस, क्लास 3 से लेकर 5 तक इस स्टेज में पढ़ता है। और इस स्टेज में आपको क्रिएटिविटी और कैसे इसको लर्न कर अप्लाई कर सकते हो अपने जीवन में, ये आपको सिखाएगा। मतलब आप समझ के चले को आपको मतलब स्किल के बारे में बहुत ज्यादा इसमें, मतलब ये जो स्टेज है ना, यहाँ पर आपको स्किल के बारे में बहुत ज्यादा बताएगा कि आपका पैशन क्या है। और उसके साथ साथ थियोरी भी तो है बहुत, लेकिन थियोरी से भी ज्यादा आपको मोरल स्टोरी बुक जो है ना वो आपको दिया जाएगा, जिससे आपको पढ़ने के मन भी आएगा, मतलब दिलचस्प भी आएगा। और उसके बाद जो हमारा स्टेज है उसका नाम है मिडिल स्टेज। हाँ, इसका नाम मिडिल स्टेज है क्योंकि ये 6 से लेकर 8 तक है, इसलिए इसको मिडिल स्टेज कहा जाता है। और इसमें आपको तो पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले आपको 2 स्किल, आपके जो जिसके बारे में पैशन है ना उसके बारे में 2 स्किल आपको लेना होगा। आपको अगर गान या संगीत और डांस में, नाच में, इसमें अगर दिलचस्प है तो आप ये सब ले सकते हो, नहीं तो बहुत सारे है, शायद 16 स्किल जो गवर्नमेंट है वो अप्रूव कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके बाद जो स्टेज है ना उसका नाम है सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज में आपको 2 चीज, मतलब 4 क्लास इसमें डिवाइड किया गया, मतलब 9 से लेकर 12 तक, क्लास 9-12 तक इसमें भाग किया गया है। और इसमें आपको सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक या थ्योरी में ही पढ़ा रहना है, ऐसा नहीं जैसे हमारा वक्त में गया, नहीं, आपको स्किल में भी दिलचस्प करना है। और स्किल में अगर आप अच्छा कर लेते हो, मतलब आप समझ लो कि आप अंकों में अगर फेल, मतलब मैथ में अगर फेल भी हो गए हो, लेकिन आप स्किल में बहुत अच्छे हो, स्किल में पास हो गए हो, मतलब आप 6 में, मैंने जो 6 जो सब्जेक्ट है उसमें अगर 1 में फेल होते हो, मतलब थ्योरी में, लेकिन आपको पास किया जाएगा, मतलब आप फेल नहीं होगे, आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पर हम वीडियो को लास्ट करते हैं। तो आपको बताएं कौन सा पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगा, और चैनल को